एक गोपी यशोदा मैया के पास आई, बोले मैया मेरे घर में आज पूजा है नहीं है, मुकु गोबर दे दे। मैया बोली ले जा गोबर। जैसे ही गोबर ले जाने लगी, ठाकुर जी बोले मैया तेने मुफ्त में दे दियो गोबर, बात पैसा तो ले ले गोपी ते। मैया बोली लाला 9 लाख गैया हमारे यहां। कितनी गैया? 9 लाख। गोबर के पहाड़ है नंद भवन के बाहर, तू कहां करेगा या गोबर को? गोबर को कोई मोल हो ले जान दे। बोले अरे मैया तू तो बड़ी भोरी है, तू ना मानेगी, मैं जाऊंगा के पास। सोई गए ठाकुर जी दौड़ दो, अरे गोपी का कर रही है? बोले गोबर ले जा रही हूँ लाला। बोले ऐसे ना ले जान दूंगो, पहले या को दाम बता कह देगी। गोपी बोली गोबर को कौन दाम लेवे लाला? बोले मैं लूंगो। चारो हमने खवायो, गैया हमारी, गौशाला हमारी, और गोबर ले जाएगी तू? हमारे घर में रहेगो, हम चाहे हमें सो में, हम चाहे हमें रो में, हम चाहे यही में पड़े रहें, कच्छू करें, हमारो गोबर है हमारी गैया को, तू ना ले, ले के जाएगी तो मोल दे के जा। व्यास जी आपने ये बात कहीं लिखी? आपने ठाकुर जी के स्वरूप का कहीं वर्णन किया? जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ गोबर के पीछे गोपी को पकड़ के बैठे, बोले आपको पैसा दे मुझे। आपने ये स्वभाव कहां दिखाया ठाकुर जी को? दुनिया के लोग कथा सुनते हैं, भगवान को भगवान मान लेते हैं, वो भगवान को अपना कब मानेंगे? जब उनके स्वभाव का वर्णन करोगे। गोपी बोली लाला बता कहां दाम दऊं? ठाकुर जी बोले तो एक काम कर, बोले हां जितनों गोबर ले जाएगी उतनों मक्खन दे दे बदले में। गोपी बोली वाह लाला, गोबर और मक्खन को दाम एक है सके? मक्खन तो बहुत महंगो होवे। बोले तो नंद भवन की गैया है या गोबर को? गोबर वो मक्खन के समान है। जब तो लगता हो कि कहीं मक्खन की आवश्यकता, हमारे घर के गोबर ही धर दियो, मक्खन के समान काम है जाएगा। गोपी बोली अच्छा लाला ठीक है दे दूंगी मक्खन, ले जान दे अब मुए। ठाकुर जी बोले हम पे गिनती तो आवे ना है, हम गिनती कैसे करेंगे तू कितनी गोबर ले गई? तो गोपी, गोपी भी प्रेम तो करती है ठाकुर जी से, गोपी बोली अच्छा लाला एक काम करें। बोले कहा? मैं जितनों गोबर ले जाऊंगी, जैसे जैसे एक बाम में भर के लेके जाऊंगी परात में, तो एक परात गोबर ले जावे पे तेरे मुंह पे एक गोबर की बिंदी बनाई दूंगी, पर अंत में उन सबरी बिंदी ने गिन लेंगे, उतना मक्खन दे जाऊंगी। ठाकुर जी बोले हाँ जे बढ़िया है, ऐसे ही कर। अब तो गोपी ले जावे और परात में गोबर भरे और गोबर ऊपर धर के वामे से एक नेक से गोबर निकाले, बाकी बिंदी बनावे और लाला के मोड़े पर लगा दे। ठाकुर जी पे गिनती तो आती नहीं है, बोले अंत में यशोदा मैया तो गिनवा लूंगा कितनी बिंदी है, यहां बिंदी यहां बिंदी यहां बिंदी बार बार। अब गोपी का गोबर का काम हो चुका है, लेकिन फिर भी आ रही है कि ठाकुर जी को बिंदी लगाऊंगी। सब प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, और ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठेकेदार की तरह खड़े हैं। हम भाई आ जा ले जा, अरे देख ज्यादा ले जा रही है, पहले तो ज्यादा है, वो कम कर यार, अब लेके जा। ठाकुर जी की बिंदी लगा दी, अब ठाकुर जी बिंदी में ऐसे ऐसे गिनने कितनी है गई होंगी, ओहो यहां यहां तक भर गई है, यहां भरवा लूंगो, खूब सारो आवेगो मक्खन। गोपी प्रेम में उन्मुक्त हो गई है ठाकुर जी के। अब की बार गोपी आई, जैसे ही गोबर उठाया, ठाकुर जी मुहा करें हाँ बिंदी यहां लगा दे बिंदी। जैसे ही गोपी बिंदी लगाने लगी, सो गोपी ने कहा कि यो वा ने देखी ठाकुर जी कितने संभाल के अपनी बिंदी ने रख रहे हैं, कहीं एक गिर नहीं जाए। सो गोपी ने कहा कि अपनी परात टेढ़ी कर दी, पूरा गोबर ही मुंह पे डाल दियो ठाकुर जी के। सबरी बिंदी चली गई ठाकुर जी की। अब तो ठाकुर जी रोने लगे, रोते रोते यशोदा मैया के पास गए, चीखन लगे चिल्लान लगे, बोले मैया तेरी ब्रज की गोपी बड़ी दुष्ट है। मैया बोली कहा है गो? बोले मैया पहले तू मेरा मुंह साफ कर, पूरे मुंह पे गोबर डाल दियो मेरे। मैया लगी मुंह, ठाकुर जी आराम से साफ कर, बिंदी नहीं चली जाए, अरे गिनती करनी हो तो मक्खन लेके आनो गोपी के यहां। वेद व्यास जी के नेत्र सजल हो गए, नारद जी बोले ये पर ब्रह्म है, ये जगत नियंता जगदाधार है, जिनकी भौहें टेढ़ी होने पर प्रलय हो जाता है, जिनके मुस्कुराने पर सृष्टि बन जाती है, ये उनकी लीला है, कहां लिखी आपने?
आपने तो सब जगह केवल ये दिखा दिया कि वो परब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो भगवान है, उनसे भय खाओ, उनसे डरो, उनसे दूर रहो। ओहो, सुबह दिया नहीं जलाया, ठाकुर जी तो नाराज हो जाएंगे। आपने भोग नहीं लगाया, ठाकुर जी तो, ये सब आपने लिख दिया। ये बात भी गलत नहीं है आपकी। जो पुण्य के अधिकारी हैं, जो भगवान को भगवान मानते हैं, उनके लिए रहने दो। पर जो प्रेम करना चाहते हैं ठाकुर जी से, उनके लिए आपने उनका प्रेम स्वरूप कहां दिखाया? इसलिए व्यास जी, प्रेम का वर्णन करो। प्रेम, उसकी व्याख्या करो।